नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संकनाथ एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हरियाणा पुलिस और हरियाणा से जुड़े जितने भी एग्जाम्स हैं दोस्तों, जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, उन सब के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में जरूर पूछ जाते हैं दोस्तों। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा दोस्तों इस वीडियो का, वो रहेगा हरियाणा में जितने भी प्रमुख ऋषि मुनि हुए दोस्तों, उनसे संबंधित प्रमुख स्थान। ये टॉपिक तो एसएससी का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। यहाँ से एसएससी ने प्रीवियस ईयर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे हैं। अगर मैं बात करूँ तो प्रीवियस ईयर की, और जितने भी पेपर अभी चले हुए हैं दोस्तों, उनमें भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन और अगला नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाए, और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि ये जानकारी जो है या ये वीडियो जो है आपके दोस्तों के लिए हेल्पफुल साबित हो सके दोस्तों। अब जल्द ही दोस्तों ये मेल कॉन्स्टेबल का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए हम रोज एक ना एक क्लास दोस्तों जरूर करेंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा दोस्तों हरियाणा में प्रमुख ऋषि एवं उनसे संबंधित स्थान। दोस्तों हरियाणा में जो दोस्तों जो जैसे प्रीवियस ईयर में ऐसे ही एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर पूछ लेंगे दुर्वाचार्य ऋषि का संबंध दोस्तों किस स्थान से, तो ऑप्शन ऐसे ही देंगे झज्जर जिले से या फिर करनाल जिले से, इस तरीके से ऑप्शन देंगे, या फिर एट ए प्लेस का स्थान दे देंगे कि दुब्बल धनिया बस्ताड़ा या कहीं से। दोस्तों चलिए दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, और आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी दोस्तों। तो प्रमुख ऋषि एवं उनके संबंधित स्थानों का हम जिक्र कर लेते हैं दोस्तों। देखिए पहले ऋषि की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, पहले ऋषि है दुर्वासा ऋषि। दोस्तों दुर्वासा ऋषि का संबंध अगर मैं दोस्तों दुर्वासा ऋषि की बात करूँ ना, तो दोस्तों इनका संबंध है, इन्होंने अपने जो ज्ञान भाषा जो जहाँ भी ज्ञान तपस्या वगैरह की, जहाँ पर बैठ कर ज्ञान प्राप्त किया दोस्तों, तो वो स्थान था दुबुलदन झज्जर में। दोस्तों दुबुलदन कहाँ पर पड़ता है, हमारे झज्जर जिले के अंदर, झज्जर सिरोही के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। उसके बाद बहुत ही अगला जो है ना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हर बार किसी न किसी प्रीवियस ईयर में चौवन ऋषि से दोस्तों संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। चौवन ऋषि का संबंध हमारा पड़ता है दोस्तों दोषी तीर्थ से, दोषी की पहाड़ियां दोस्तों महेंद्रगढ़ में, दोषी की पहाड़ियों से रिलेटेड दोषी तीर्थ दोस्तों, दोषी की पहाड़ियों पर बसाया गया चौवन ऋषि का जो संबंधित स्थान है दोस्तों, इसे हम च्यवनप्राश के नाम से भी याद करते हैं, यानी कि चौवन ऋषि का संबंध या च्यवनप्राश का संबंध जो दोस्तों वो दोषी तीर्थ से, दोषी की पहाड़ियों से दोस्तों। दोषी की पहाड़ियां कहाँ पड़ती है दोस्तों, महेंद्रगढ़ में। अब कई बार ये क्वेश्चन भी दोस्तों पूछा जाता है कि जो हरियाणा में दक्षिण में जो है पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कई बार वहां पर दोस्तों डोसी की पहाड़ियां दे देते हैं, या फिर अगर डोसी की पहाड़ियां ना हो तो कुलताजपुर दे दिया जाता है दोस्तों। अगर कुलताजपुर भी ना हो तो कई बार मेवात की पहाड़ियां भी आंसर दिया गया है, वो एचएसएससी के दोस्तों अलग अलग एग्जाम्स के हिसाब से आंसर मान लिया जाता है। उसके बाद ओके दोस्तों अगले हैं उदलक ऋषि। उदलक ऋषि की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों यह संथाना महेंद्रगढ़ से, संथाना एक स्थान है दोस्तों महेंद्रगढ़ में, इनका संबंध है संथाना महेंद्रगढ़ से दोस्तों। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, यानी कि बहुत सारे ज्यादा जितने भी ज्यादा ऋषि हैं सब दोस्तों, उनका संबंध महेंद्रगढ़ जिले से ज्यादा रहा है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगली बात करता हूँ मैं पिपलाद ऋषि की। पिपलाद ऋषि का संबंध बागोत तीर्थ महेंद्रगढ़ से, बागोत एक बहुत ही दोस्तों इंपोर्टेंट जगह है महेंद्रगढ़ जिले की, बागोत तीर्थ जो है महेंद्रगढ़ से, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है पिपलाद ऋषि का संबंध किस स्थान से है, तो पिपलाद ऋषि का संबंध रहा है दोस्तों बागोत तीर्थ महेंद्रगढ़ से। उसके बाद दोस्तों अगले हैं जमदर्मन ऋषि। जमदर्मन ऋषि का संबंध रहा दोस्तों राखीगढ़ी, और राखीगढ़ी देखिए दोस्तों पुरातत्व की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हर ऐसा कोई भी एग्जाम अच्छे से सीखा नहीं होगा जिसमें राखीगढ़ी से और इस साथ जैसे क्वेश्चन नहीं पूछ जाता हो दोस्तों। तो जो दोस्तों जमदर्मन ऋषि का संबंध रहा अपना राखीगढ़ी हिसार से, राखीगढ़ी में दोस्तों एक पुरातत्व विभाग द्वारा म्यूजियम बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दोस्तों। उसके बाद अगले हैं ददीची ऋषि। ददीची ऋषि का संबंध रहा दोस्तों अपने कुरुक्षेत्र जिले से, जो 48 कोस का जिला, 48 कोस की परिक्रमा में फैला जिला है दोस्तों, और अपना दोस्तों इसको संतों की नगरी, एक तो ये संतों की नगरी के नाम पर सिरसा शहर भी को भी नाम दिया जाता है, लेकिन जो हम कहेंगे दोस्तों पवित्र भूमि या वैदिक सभ्यता का पालना, वो हम नाम दिया जाता है कुरुक्षेत्र को दोस्तों, कुरुक्षेत्र इसके नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों तीन ऋषि इकट्ठे हैं, वशिष्ठ ऋषि, यताति ऋषि और विश्वामित्र ऋषि, इन तीनों का ही संबंध है दोस्तों पेहवा जिले से, पेहवा माफ कीजिए आप पेहवा से, पेहवा है कुरुक्षेत्र के अंदर, कुरुक्षेत्र जिले के अंदर दोस्तों पेहवा यह स्थान पड़ता है आपको, पेहवा से इनका संबंध है। पेहवा का दोस्तों हरियाणा का गया कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सरोवर और यहाँ पर पिंडदान या पितरों की शांति के लिए हवन कुंड वगैरह किए जाते हैं, तो पेहवा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगले ऋषि हैं पाराशर ऋषि। पाराशर ऋषि का संबंध है दोस्तों बहलोलपुर करनाल से, बहलोलपुर स्थान पड़ता है दोस्तों करनाल जिले के अंदर,
तो बेल अल्पुल करनाल में। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लग रही है इसके बारे में आप कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इसको, ताकि आने वाले एग्जाम्स में आप सभी के लिए हेल्पफुल और खासकर अपनी माताएं बहनें जिनका अभी पेपर है 18-19 सितंबर को, दोस्तों उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। यहाँ से एक नए क्वेश्चन जरूर अच्छे से एग्जाम्स में पूछा जाएगा। उसके बाद अगले बात करते हैं दोस्तों परशुराम ऋषि। परशुराम ऋषि का संबंध है दोस्तों राम राय तीर्थ स्थान है एक जींद जिले में। परशुराम ऋषि का संबंध राम राय तीर्थ स्थान है दोस्तों जींद जिले में। परशुराम का संबंध राम राय जींद से। उसके बाद अगस्त्य ऋषि, देखिए दोस्तों अगस्त्य ऋषि का संबंध है कपाल मोचन यमुनानगर से। कपाल मोचन दोस्तों एक बहुत ही पवित्र स्थान यमुनानगर के बिलासपुर में। दोस्तों यहाँ पर एक मेला भी लगता है कपाल मोचन का मेला, अगर मैं बात करूँ तो बिलासपुर में लगता है दोस्तों। और यहाँ पर से संबंध है अगस्त्य ऋषि का, अगस्त्य ऋषि का संबंध कहाँ से है कपाल मोचन यमुनानगर से। यमुनानगर दोस्तों गन्ना का सर्वाधिक ज्यादा सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला जिला दोस्तों यमुनानगर। उसके बाद देखिए दोस्तों कपिल मुनि, कपिल मुनि से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कपिल मुनि का संबंध कहाँ से। कपिल मुनि का संबंध दोस्तों कलायत कैथल से। कैथल दोस्तों, कैथल को हम दोस्तों कहते हैं कैथल के नाम, कैथल नाम जो हमेशा आएगा ना दोस्तों, इसमें बहुत सारे गुरुद्वारे हैं तो गुरुद्वारों की नगरी हम अपने, कई बार उपनाम में पूछा जाता है गुरुद्वारों की नगरी, तो गुरुद्वारों की नगरी हम कहते हैं दोस्तों अपने कैथल जिले को गुरुद्वारों की नगरी। उसके बाद देखिए दोस्तों कलायत की बात करते हैं। कलायत से वर्तमान में जो विधायक है दोस्तों तो वो है कमलेश डांडा दोस्तों, जिनको महिला एवं बाल विकास विभाग दिया गया है कलायत से कमलेश डांडा। ये दोस्तों जो है एक मंत्री या विभागों की, जो मंत्री हैं उनके एक विभागों की, और उनको किस किस को कौन सा मंत्रालय दिया गया इसके बारे में भी एक वीडियो दोस्तों मैं जल्दी आप लोगों के लिए गया हुआ कि किस विधायक का संबंध कहाँ से है, कौन सी जो सीट से है उस तरीके से दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों आज कल लास्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मस्तनाथ ऋषि। देखिए दोस्तों आपने मस्तनाथ यूनिवर्सिटी भी सुना होगा रोहतक के अंदर है, उस तरीके से मस्तनाथ और स्थल को हरमठ भी रोहतक में दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन रोहतक जिले से बनते हैं। तो मस्तनाथ ऋषि का संबंध होता दोस्तों स्थल बोहर रोहतक से। स्थल बोहर दोस्तों बहुत ही पुरातत्व विभाग की दृष्टि से भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पर इंडो ग्रीक सिक्के मिले थे स्थल बोहर रोहतक से। तो राजा ओ माफ कीजिएगा मस्तनाथ ऋषि का संबंध दोस्तों स्थल बोहर रोहतक से। दोस्तों ये थी आप सभी के लिए कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी, बहुत ही प्रमुख ऋषि और उनसे संबंधित स्थान दोस्तों। यहाँ से उम्मीद है अच्छे से सी एक नए क्वेश्चन जरूर पूछेगा आने वाले एग्जाम्स में दोस्तों। हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिले। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हरियाणा पुलिस जो मेल कॉन्स्टेबल का दोस्तों एग्जाम स्थगित हुआ, माफ कीजिएगा कैंसिल हुआ था दोस्तों, तो वो भी बहुत ही जल्दी वापस अक्टूबर में दोस्तों संभावना उसके लिए आ जाए। और आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उनके लिए दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा टॉपिक और बहुत ही अच्छे दोस्तों मेडल के साथ वीडियो क्लासेज उपलब्ध कराई जाएंगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।